जो ये मसला बाईकाट वाला होया सी जी 14 तरीक नूं ये जो प्रोसीजर किया गया सी 15 तरीक नूं ये बाईकाट की जिहड़ी वीडियो सोशल मीडिया ते आई सी जी उस तो बाद 16 तरीक नूं मैं डीसी साहब दे पेश होया सीगा ते जिहड़े सिंह साहब सी ओह कितें बाहर गए हुए सीगे इस करके 17 तरीक नूं मैं सिंह साहब जी नूं मिलिया जी ते उन्होंने इत्थों भाई भोला सिंह जी ने 71 उन्होंने ये ड्यूटी लाई तो उन्होंने भाई निरभय सिंह नूं जांच लई मिर्जाणा विखे भेजा जी तो उस तो बाद सारी जांच पड़ताल करके जी तो तख्त श्री दमदम साहब जिहड़े पंज सिंह साहिबान ने जी उन्होंने पिंड वासियां ते पूरी समुची पंचायत नूं इत्थे सद के जी उन्होंने धार्मिक सज़ा लाई है जी तो ये साडा हुण जिहड़ी मतलब कि सुलह हो चुकी है जी। सो मैं बेनती करदा जी सारी संगत नूं कि पिंड मिर्जाणा खिलाफ़ जां कोई पंचायत खिलाफ़ कोई भी मतलब बदतमीजी जां कोई इदां दा कोई शब्द ना वरते जाण जी। चलो तो जे आप जे गुरसिखी के मार्ग से चलांगे जी तो उसतता जी होंगी है जी ऑटोमैटिक ही है। सो मैं तो हर एक सिख नूं चाहुंदा भी सन्मान मिले जी तो वहमां भरमां तो हर एक सिख दूर रहे। अज पिंड मिर्जाणा की समूह ग्राम पंचायत गुरद्वारा कमेटियां समूह संगत जो पिछले दिन उस नगर के विखे बहुत मंदभागी घटना वापरी सी कि पिंड दे विच पशुआं दी मूंह खुर दी बीमारी नूं लै के पिंड दे बहुतात लोकां वल्लों कोई टूमा टामण करवा के करवाया गया ते जबरदस्ती दे नाल आपां कह सकदे हां वी पिंड दे विच लागू करन दी कोशिश कीती गई जिहदा एक गुरसिख परिवार ने विरोध किया ते उस विरोध दा नतीजा उस परिवार नूं इह भुगतना पिया कि इन्हां अग्ञानी लोकां दे वल्लों उन्हां दा मतलब भांडा टाल दिता गया समाजिक तौर ते उन्हां दा बाईकाट कर दिता गया जिस घटना का समूह सिख संगतों के बहुत रोस पाया गया। ये घटना ही इदा दी सी भी जिदे प्रति संगतों के मन के ठेस पहुँचनी सुभाविक सी क्योंकि गुरु साहब जी सानू बख्शिश करते हैं एक पिता एक सके हम बारिक सतगुरु महाराज तो सब नू गल दे नाल लाउंदे है तो गुरु ग्रंथ साहब की सिक्ख्या के हुंदिया भी गुरु साहब के मौजूद हुंदिया भी इदा दीआं घटनावां वापरियां बहुत मंदभागियां ने। सिंह साहब जी वालों जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी वालों इस घटना का सख्त नोटिस लिया गया उत्थे साडे प्रचारक संबंध भाई निरभय सिंह जी भी पहुँचे सन उन्होंने सारी पड़ताल करके उहदी रिपोर्ट साबा धर्म प्रचार विखे साडे इंचार्ज साहब सरदार भोला सिंह जी नूं दित्ती उन्होंने पंज पैरे साहबां दे सन्मुख ये सारा रिपोर्ट उन्होंने रखी तो पंज पैरे साहबान ने इस घटना के उपर दीर्घ विचार करके अज गुरमत जुगत के अनुसार यह समुची नगर पंचायत वालों दोषियों वालों लिखती तौर पर संगती रूप के परिवार वालों माफ़ी मंगन से सो इन्हों भाई गुरमत जुगत के अनुसार जो धार्मिक सेवा तनखा लाई गई है धार्मिक तौर पर इन्हों जो हाथी सेवा लाई गई है तो अगे वास्ते इन्होंने प्रण किया भी अगे वास्ते असी इदा की कोई भी हरकत नहीं करांगे जिदे नाल समाज के अराजकता पैदा होवे ते सिख संगत दे मन नूं ठेस पहुँचे इन्होंने अज प्रण किया लिखती तौर पर इन्होंने अपनी गलती प्रवान की है इस करके इन्हों सेवा लाई है अगे वास्ते असी यह उम्मीद करते हैं केवल ये पिंड नहीं होर भी पंजाब चाहे देश विदेश है कितने भी इदा की घटना ना वापरे सतगुरु महाराज सारयां सोझी बख्शिश करन ये साडी अरदास है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी कुरबान। जो परिवार सीगा जिन्हां ने इदा एडा वड्डा उद्यम किया इस मन मत का विरोध किया उन्होंने तख्त साहब वालों तख्त श्री दमदमा साहब वालों सरोपाओ की बख्शिश दे के सन्मानित किया गया क्योंकि बहुत वड्डी गल है एक पासे सारा पिंड मन मत वाला खड़ा होवे ते एक पासे गुरु का सिख खड़ा होवे उन्हें अपने सिद्धांतों के प्रति पूरी वफादारी निभाई इसे नूं सतगुरु ने कहा है 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ तब है गोविंद सिंह नाम कहाऊँ भावें सारा नगर सारा इलाका विरुद्ध होवे पर जिहड़ा गुरमत के सिद्धांतों से पहरा देने वाला है वह कदे दुनिया की परवाह नहीं करता इस परिवार को महाराज चढ़ती कला बख्शे होर सिखी सदक बख्शे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। सिंह जथेदार ने जी सानू टाइम दिता सी अज का तो वो जो फैसला से साडे पिंड दे ने पंचायत नूं फरमान सुनाया सी उस संबंधी अज फैसला कराया तख्त साहब के पंज प्यारे ने साडे नूं तो उस संबंधी साडा राजीमंदा हो गया परिवार नाल उहदे नाल कोई गिला शिकवा नहीं साडा अज तो परिवार साडे नाल ही है तो नाल ही असीं इन्हां दे खड़े हैं पहले भी खड़े तो अज भी खड़े हैं जी।
ਹੁਣ ਕਿਸ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਪਰ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਭਾਈਚਾਰ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਗਈ? ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਗੇਟ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪੰਚਾਇਤ। ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣੇ ਵੀ ਇਹ ਪੂਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਪਰਨ ਲਓ, ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।